नमस्कार, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आप सबों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, इसके लिए दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं। उनमें से मैंने 5 कमेंट को सेलेक्ट किया है, आज के लिए आपको बताने वाला हूं। इन 5 कमेंट से, इन 5 सवालों से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का संडे सवाल का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एमडी इमरान जी ने पूछा है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा है। अगले बार से आप ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर रखेंगे, अपने जिले का नाम जरूर रखेंगे, अपने नाम के साथ कमेंट करेंगे। पहला सवाल है कि इंडियन रेलवे में जो प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत सारे निजी ट्रेनें चलाई जा रही है, तो सवाल ये कि इंडियन रेलवे का जो निजी ट्रेन चलाई जाएगी उसका जो लोको पायलट होगा क्या प्राइवेट होगा या सरकारी होगा? ये सवाल बेहद ही अच्छा है। इसके बाद दूसरा सवाल है कि आपका बहुत बड़ा फैन हूं, राकेश कुमार जी ने पूछा है कि आपका बहुत बड़ा फैन हूं, बीएसपीसीएल में बहाली कब आएगी, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में बहाली कब आएगी? तीसरा सवाल है, नितेश कुमार जी का यह सवाल है, इन्होंने पूछा है कि सर मेरा तो कोई सुनने वाला है नहीं, एसीबीटी से हूं, सेशन मेरा 18-20 है, कोई रिप्लाई नहीं देता है, कहीं से कोई सूचना नहीं मिलता है, आप पे भरोसा करके कमेंट कर रहा हूं, रिप्लाई दीजिएगा कि एससीबीटी का एग्जाम कब होगा। नेक्स्ट सवाल है चौथा, इन्होंने सवाल किया है, टेक्निकल नाम से इनका चैनल, इन्होंने बोला है कि मेरे पर क्रिमिनल केस है, तो क्या मैं सरकारी नौकरी के लिए योग्य हूं या नहीं हूं, इस पर अपनी राय दीजिए। टेक्निकल जी, आप अपने नाम के साथ अगले बार से कमेंट करेंगे तो जरा बढ़िया रहेगा। इसके बाद पांचवे क्वेश्चन है कि क्या आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करना जरूरी है, क्या जॉब में इसका सहायता मिलेगा, मतलब इस पे राय जानना चाह रहे हैं। और इनका नाम है योगेंद्र कुशवाहा जी ने पूछा ये सवाल, पांचवे नंबर का। तो चलिए शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो इजीवे कोचिंग को अवश्य ज्वाइन करें। इसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए कि नया बैच कब शुरू हो रहा है, क्योंकि आईटीआई में बहाली की कमी नहीं है, हर महीने हर सप्ताह बहाली आती रहती है। कमी बस एक चीज क्या है कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप अपने आप को तैयार नहीं किए सरकारी नौकरी के लिए, तो फॉर्म भरे से नौकरी नहीं मिलता है, ध्यान रखना, पढ़ना पड़ता है। और पढ़ने के लिए आप मेरा सहयोग लेना चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग को अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले सवाल के बारे में कि इंडियन रेलवे का जो निजी ट्रेनें हैं, जो प्राइवेट ट्रेनें हैं, उसका लोको पायलट सरकारी होगा या प्राइवेट होगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार का जो रूल आया है, जो निजीकरण के लिए उन्होंने जो नियमावली बनाई है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भारतीय रेलवे के जो भी निजी ट्रेनें होगी उसका लोको पायलट और सेफ्टी संबंधित, सुरक्षा संबंधित जो भी स्टाफ होंगे वो सरकारी होंगे, भारत सरकार के होंगे, इसके अलावा सारे स्टाफ निजी रखे जाएंगे। तो यहां पे स्पष्ट कर दिया है कि आईटीआई के जो बच्चे हैं उनके लिए जो बहाली आती है असिस्टेंट लोको पायलट की, वो सुरक्षित है, वो सरकारी ही इंप्लॉय रहेगा। मतलब आईटीआई के बाद आप रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सेफ्टी का जो पद है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। तो सेफ्टी में एक तो सुरक्षा होती है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होते हैं, इसके अलावा जो मेंटेनर वाला काम होता है, मेंटेनेंस वाला, वो भी सेफ्टी के अंतर्गत ही आता है। तो वहाँ भी टेक्नीशियन का जो बहाली होगा वो भी भारतीय रेलवे के स्टाफ के तौर पे आपको लिया जाएगा, आपको सरकारी नौकरी पर ही रखा जाएगा। तो आपके लिए खुशखबरी है और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है राकेश कुमार जी का कि उन्होंने पूछा है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में बहाली कब आ रही है। देखिए, इसमें बहाली तो आएगी, ये कंफर्म है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है ये इस बात को समझिए। केंद्र सरकार में बीजेपी गवर्नमेंट है और बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। यहां पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और जो केंद्र सरकार का अपना एक एजेंडा है, कह सकते हैं जो एक नया रूल लाना चाहती है कि जितने भी बिजली कंपनियां हैं देश में सबको निजी हाथों में सौंप दिया जाए। इसके तहत बिहार बिजली विभाग को भी इसमें डाला गया था, निजी हाथों में सौंपने की कार्रवाई को शुरू किया गया था। लेकिन आप लोगों को याद होगा 19-20 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, बिहार बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, बिजली पूरी तरह से ठप होने वाली थी, लेकिन बिहार सरकार
कि उस समय के ऊर्जा मंत्री प्रेम कुमार जी थे, माननीय मंत्री थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। केंद्र सरकार का जो अपना एक रूल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोला कि बिहार को, बिहार बिजली विभाग को बेचा नहीं जाएगा, इसके कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब क्या हुआ कि न्यू नोटिस नहीं पता है कि नेक्स्ट अपडेट क्या है। तो ये जो प्राइवेट और सरकारी के बीच में जो ये फंस गया बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, इसके वजह से बहाली रुक गई। अब अगर ये कंपनी किसी निजी हाथों में चली जाएगी तभी बहाली आएगी, या नहीं जाएगी तभी आएगी, क्योंकि सरकार चाहती है अगर निजी हाथों में देना है तो जिसके हाथ में जाएगा वो बहाली लेगा, मैं क्यों लूं। तो ये थोड़ा सा मामला है, आप इंतजार कीजिए, दो चार महीने में स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि बहाली आएगी कि नहीं आएगी। बिकने या नहीं बिकने से बहाली नहीं रुकने वाली है, ध्यान रखिए, क्योंकि टेक्नीशियन का जो काम होता है वो बहाली के बेसिस पर ही होगा। बहाली आएगी लेकिन ये कब आएगी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहाली आने की संभावनाएं हैं। अगर निजी हाथों में भी जाएगी तो बहाली आएगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप पढ़ाई करते रहें। तीसरे नंबर का सवाल है कि SC VT का एग्जाम कब होगा। आप बिहार के सरकारी ITI से ITI कर रहे हैं लेकिन आपका जो बोर्ड है SC VT बोर्ड है, तो आपको मैं बता दूं कि NCVT का एग्जाम चल रहा है पूरे देश में, इंक्लूडिंग बिहार में भी SC VT का एग्जाम, NCVT का एग्जाम चल रहा है। वैसे में सारा जो डिपार्टमेंट है NCVT का एग्जाम कंडक्ट कराने में लगा हुआ है। जैसे ही इसका एग्जाम कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद SC VT का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई सूचना नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि ये मार्च के बाद आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल आ जाएगा जो SC VT से हैं, क्योंकि अभी कोई चांस नहीं एग्जाम होने का, NCVT एग्जाम चल रहा है, इसमें सारा डिपार्टमेंट बिजी है, कहीं भी सीटें खाली नहीं है कि आपको वहां पर बैठाकर एग्जाम लिया जाए। इसलिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए, अगले महीने अप्रैल में एग्जाम होंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोगों का सेशन 18-20 है, अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन यह सवाल की बहुत ही बड़ी नाकामी है कि आप जैसे युवा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद भी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाने का तरीका गलत हो गया है, परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, बहुत सारी समस्याओं से आप घिरे हुए, मुझे पता है। मैं बार बार आपकी आवाज़ों को, जब भी नियोजन भवन जाता हूं आपके बातों को रखता हूं मंत्री जी के सामने, तो मेरा प्रयास फिर से रहेगा कि कभी मैं विजिट करूंगा तो आपके जो प्रश्न है, मैं संबंधित मंत्रालय जाता रहता हूं, श्रम संसाधन विभाग, वहां इस बात को अवश्य रखूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे ऊपर, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि मेरे ऊपर क्रिमिनल केस है, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, क्रिमिनल केस हो या किसी तरह का भी केस हो, अगर आपके ऊपर कोई FIR कर देता है उसका मीनिंग ये नहीं होता कि आप दोषी हैं। कोई भी किसी के ऊपर FIR कर सकता है, झूठा आरोप लगा सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दोषी हो गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कोर्ट आपको डिसीजन नहीं देती है कि आप दोषी हैं, तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा, आपको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। अगर इस तरह का FIR आपके ऊपर है कि आप क्रिमिनल हैं, आप दोषी हैं, लेकिन ये जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, फैसला नहीं आया है, डिसीजन पेंडिंग में है, तो आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, आप नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको, जहां भी आपका नौकरी लगेगा वहां पे स्पष्ट तौर पर आपको ये सूचना देना होगा कि मेरे ऊपर FIR है और ये FIR झूठी है। जैसा भी हो आप उसको अपने डिपार्टमेंट को बता देंगे और डिपार्टमेंट आपसे एक फॉर्म भरवाएगी जिसमें लिखा रहेगा कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो इसके बाद नौकरी पूर्णतः आपकी समाप्त हो जाएगी, अगर आप बरी हो जाते हैं तो आपको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। इस तरह का एक फॉर्म भरा लिया जाता है, आप काम करते रहेंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये होता है कि किस तरह का क्रिमिनल केस है। अगर आप मर्डर किए हैं, मर्डर केस है, तो कोई आपको नहीं रखने वाला है। अगर आपने बहुत बड़ा क्राइम का एग्जाम दिया, जैसे बैंक लूट लिया है, बहुत बड़ा कोई जुर्म कर दिया है, उस केसेस में आपको नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर छोटा मोटा केस है, ऐसे नॉर्मल टाइप का कोई केस है, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल है कि ITI के बाद पॉलिटेक्निक करना क्या सही है, क्या इससे जॉब मिलेगा, क्या पॉलिटेक्निक जरूरी है ITI के बच्चों के लिए, योगेंद्र कुशवाहा जी का ये प्रश्न है। देखिए, ITI के बाद पॉलिटेक्निक करना मेरे ख्याल से जल्दीबाजी है, पॉलिटेक्निक कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ITI किए हैं तो सबसे पहला ये ख्याल रखिए कि ITI पर जितना बहाली आता है
उतना बहाली कहीं नहीं आता है, किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए नहीं आ रहा है, आजकल नहीं आ रहा है। पॉलिटेक्निक पे तो बिल्कुल पूर्णतः मान के चलिए कि बहुत कम बहाली आ रही है। तो आप कोशिश करिए कि आईटीआई करने के बाद सबसे पहला टारगेट कि आपको सरकारी नौकरी ले लीजिए, सरकारी नौकरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। साइड से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं या नौकरी मिलने के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, आप पूर्णतः आईटीआई का सिलेबस को कवर कर लिए हैं, तैयार हो गए हैं, केवल रिवीजन बचा हुआ है, तो आप पॉलिटेक्निक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटेक्निक करने से आपको फायदे एक मिलेंगे, जब भी आपका नौकरी आईटीआई लेवल पर हो जाएगा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट तक चले जाएंगे, बहुत जल्द चले जाएंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं किए रहेंगे तो आपको जूनियर इंजीनियर बनने में टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप आईटीआई कर लिए तो फोकस कीजिए कि आईटीआई से ही जॉब लीजिए, और आगे जाकर आप पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा पार्ट टाइम, पार्ट टाइम से नहीं, डिस्टेंस मोड से नहीं करना है। डिस्टेंस से कोई भी टेक्निकल डिग्री वैलिड नहीं है, आप रेगुलर से कीजिएगा तो आपको फायदा मिलेगा प्रमोशन के लिए। ये रहा आज का सवाल, और आगे आप भी जानना चाहते हैं अपने सवाल का जवाब, आप भी चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का एक वीडियो बनाकर बताऊं, तो अपने नाम के साथ जिले का नाम लिखकर कमेंट करेंगे, मैं आपके नाम के साथ उस वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। और एक सूचना है कि मेरे फेसबुक ग्रुप में 2,20,000 लोग जुड़ गए हैं, अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहां पता चलेगा। जो मैं संडे सवाल बता रहा हूं, ये सवाल अगर आप फेसबुक ग्रुप में भी कमेंट करेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।